बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि वीपीएन क्या होता है और वीपीएन काम कैसे करता है और हम अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर करेंगे। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि वीपीएन क्या चीज़ होती है। वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है कि ये हमें इंटरनेट पर सिक्योर करता है। मतलब हमने इंटरनेट में एक किस्म का सिक्योरिटी गार्ड अपना बताया होता है अपने सिस्टम पर कि कोई पर्सन हमारे इंटरनेट को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस ना करें, मतलब हमारे पर्सनल डेटा को हैक ना करें, मतलब ये हमारे फेसबुक जीमेल आईडी और इसको हैक ना करें। तो हॉटमेल आईडी जो होती है, उसकी ईमेल एड्रेस जो होती है, उसको कोई हैक ना करे। तो इसीलिए हम वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। तो वीपीएन काम कैसे करता है, वीपीएन हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के वीपीएन हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो हमें इसके बारे में पता नहीं होता कि वीपीएन हमारे नेटवर्क को कैसे दूसरे लोगों से हाइड करता है, मतलब हमारी आईपी को हाइड करता है। मतलब हमें जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, हर एक बंदे को उसने अपनी आईडी एक आईपी एड्रेस दिया होता है। तो ये आईपी एड्रेस के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते। तो ये वीपीएन ऐसा काम करता है कि ये वीपीएन ये जो आईपी एड्रेस होता है उसको हाइड करता है। और ये जो हैकर होता है या जो एक्सपर्ट कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, ये हमारे आईडी को एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ ये जो बंदा ये गूगल क्रोम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी इनबिल्ट ये जो वीपीएन होते हैं। तो हमारे साथ गूगल क्रोम में है एक इनबिल्ट वीपीएन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल क्रोम वीपीएन ऑटोमेटिकली ये मैंने सर्च किया होता है, स्टॉप किया जाता है। तो ये ऑलरेडी है, ये वीपीएन भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने ये जो इंस्टॉल किया हुआ है ये है क्विजी वीपीएन। ये बाय डिफॉल्ट ये कनेक्टेड है कनाडा के साथ, मतलब ये मैं बेटा इधर हूँ और ये कनाडा के कंट्री को दिखा रहा है कि मतलब उधर से कोई बंदा इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, मतलब मेरे लोकेशन को बिल्कुल इसने हाइड किया हुआ है। मतलब ये जो है ये मेरे आईपी है, आईपी को इसने हाइड किया हुआ है, मतलब ये कोई बंदा उधर कनाडा में बैठा हुआ है, ये वो बंदा उधर से इंटरनेट को एक्सेस, मतलब मैं तो इधर बैठा हूँ और ये दिखा रहा है कि ये कोई एशिया से बाहर कंट्री में बैठा हुआ है इंटरनेट को एक्सेस कर। तो ये वीपीएन ही काम करता है। दूसरा ये जो ये ओपेरा मिनी है, ओपेरा मिनी में आप चले जाओ तो उसमें भी एम्बेल्ड वीपीएन होता है। तो आप उसके पहले ये ओपेरा मिनी के आइकन पे चले जाओ, फिर बाद में सेटिंग में एडवांस में जाओगे, एडवांस में ये प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाओगे, तो आप फिर इसी तरह नीचे आओगे, ये वीपीएन लिखा हुआ है, ये मैंने ऑन किया हुआ, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो ये इधर कोई चीज़ नहीं है, तो ये जब मैं इधर से ऑन कर लेता हूँ तो ये वीपीएन आ जाता है। तो ये अभी ये ऑन है, तो इसको मैं अप कर लेता हूँ, तो ये अभी ग्रीन है, ये भी बंद कर दिया मैंने, ये इसको मैं इधर से फिर खोल लेता हूँ। तो ये है वीपीएन, इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें ये एक और तीसरे किस्म का वीपीएन है, ये जो सारे सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। एक है हॉटस्पॉट शील्ड, ये भी एक किस्म का वीपीएन, इसको आप इधर से डाउनलोड करोगे, फिर इंस्टॉल करोगे और ये अपने सिस्टम पे चलाओगे। तो इसी ये वीपीएन काम इसी तरह करता है कि आपने एक किस्म का चौकीदार अपने सिस्टम पे रखा हुआ है। जैसे हम ये चौकीदार को अपने घर की हिफाजत के लिए रखते हैं, इसी तरह ये भी एक किस्म का चौकीदार है अपने सिस्टम के लिए, मतलब आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम की, आपके ब्राउज़र की, आपके पर्सनल डेटा की, ये इसी तरह काम करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करें और इसको शेयर करें दूसरों के साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।